गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज हम फिर बात करेंगे उत्तराखंड पीआरटी भर्ती को लेकर, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, डिटेल में इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे आपके भी विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना की तीसरी लहर आने की सरकार ने आशंका जताई है और कई मेडिकल बड़े बड़े संस्थानों ने भी इसकी आशंका जताई है, लेकिन फिर भी प्राथमिक भर्ती में अर्जेंसी की को लेकर कोई भी अपील सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। और ये अर्जेंसी किस पे लगानी है उसके बारे में भी हम डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एक भी मिनट आप स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कोविड-19 की तीसरी वेव के आने की आशंका है, लेकिन फिर भी प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे बेरोजगारों के लिए ये समय बहुत ही कष्टपीड़क और क्या कहूँ मैं, मेरे लिए शब्द भी आपके लिए, मेरे लिए भी और सभी मेरे जितने भाई बहन दोस्त हैं उनके लिए शब्द कम पड़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो नवंबर 2020 से आई हुई थी उसको लेकर डायट डीएलएड जो प्रशिक्षित और बीएड टीटी पास प्रशिक्षुओं ने जो है मिलकर चिंता जताई है। तो मैं आपको बता दूं ये चीज़ मैंने पहले भी कहा है और आपकी अपने हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूं कि अब समय आ गया है कि हमको ना आपस में लड़ना है ना कुछ करना है, दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर नहीं देना है, चाहे हम डाइट से हों, चाहे बीएड से हों, चाहे एनआईओएस से हों, तो हमें अब साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। अगर हम फिर ऐसी अलग अलग लड़ते रहेंगे तो देखना ये भर्ती तो इस साल क्या कईयों और 5 साल भी अटकती रह जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि डीएलएड जो प्रशिक्षित हैं उनका कहना है कि 2019 में डीएलएड कर चुके प्रशिक्षुओं ने लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और इसके बाद ही करके माह नवंबर 2020 में भर्ती हेतु विज्ञापन निकलवाया, लेकिन विवादों के कारण यह भर्ती न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ पर कोर्ट जो है सबसे बड़ा यहाँ पर उन्होंने किया है कि 2019 में डीएलएड कर चुके प्रशिक्षितों ने लगातार धरना आंदोलन किया और इसके बाद जाकर माह 2020 में ये विज्ञापन निकला। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो यहाँ पर एक कोट लाइन की गई है वो सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे कि उनका कहना है कि इसके अतिरिक्त पूर्व में विभागीय अधिकारियों के लापरवाही और सरकार के अनदेखी के कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, जबकि 2 अगस्त से न्यायालय भौतिक रूप से सुनवाई कर रहा है तो भी सरकार ने याचिकाओं पर अर्जेंसी न लगाई और इससे लगता है कि भर्ती को लटकने की पूरी आशंकाएँ हैं, कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, कल के वीडियो में भी हमने बताया, हम रोज़ आपको इसके बारे में अपडेट करते रह रहे हैं कि 2 अगस्त से जो है कोर्ट चालू हो चुकी है, जिसके लिए ये आशंका जताई जा रही थी कि 3, 4 और 5 को एटलीस्ट किसी डेट को ये जो है सुनवाई हो सकती है। लेट्स सी अभी जो अपडेट आएंगे हमारे पास हम आपको एक्सक्लूसिव लेके आएंगे, लेकिन ये भर्ती तभी संभव है और तभी इसकी सुनवाई कोर्ट में भी हो सकती है जब अर्जेंसी लगाकर इसको बताया जाए। लेकिन फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, शिक्षा विभाग चाहता ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड चाहती ही नहीं है कि भर्ती हो, तो फिर अर्जेंसी किस बात की। तो आप देख सकते हैं डाइट डीएलएड संगठन ने एक बैठक कर ये निर्णय लिया कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका है। ऑब्वियसली बात है कोविड-19 तीसरी लहर आ जाएगी तो फिर हालात वैसे सामान्य हो जाएंगे लॉकडाउन के तरह, और भर्ती 2020 से आई हुई है जिसकी वजह से विभागीय अधिकारियों के लापरवाही और सरकार के लापरवाही की वजह से ये भर्ती अभी तक लटकी हुई है। और जो संघ का संगठन के अधिकारी हैं उन्होंने जल्द से जल्द न्यायालय में अर्जेंसी लगाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 को पूर्ण कराने की मांग की है, लेकिन ये मांग कब तक पूर्ण होगी इसका कोई और किसी को कोई अंदेशा नहीं है। तो इसके लिए फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है, हम आपको सभी को मिलकर इसके बारे में लड़ना है, क्योंकि इनको ऊपर अगर हमें हर तरीके से दबाव बनाना होगा तभी ये अर्जेंसी लगाएंगे, नहीं तो भाई साहब जय जय सिया राम टाटा बाय बाय गुड बाय राहुल गांधी वाला जो है डायलॉग यहाँ पर हो जाएगा और हम और आप ऐसे ही फिर से लटकते रह जाएंगे। बाकी आपके क्या राय हैं, विचार हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं सबके विचार कमेंट देखता रहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि इतना समय नहीं होता, लेकिन आपके जो कमेंट आते हैं उन सब का सार मैं इस हिसाब से कर देता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक स्पेशल कमेंट सेशन भी इस पर स्टार्ट
करने की सोच रहा हूँ। यहाँ पर मैं पीआरटी भर्ती को लेकर जितने भी कमेंट्स आए हैं उनको मैं यहाँ पर दूंगा। तो अगर आपके कमेंट्स हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पे अपने आप मुझे कमेंट दे सकते हैं। एक संडे को एक कमेंट बॉक्स ही हो जाएगा पीआरटी भर्ती को लेकर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना। और हाँ, स्क्रीन पर हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो एक बार आप विजिट ज़रूर करना www.youtube.com/ऐसे ही। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।